हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम हिंदी की प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी के बीच जो कविता लिखी गई उसे हम हिंदी की प्रगतिवादी कविता के नाम से जानते हैं। प्रगति का तात्पर्य है आगे बढ़ना, लेकिन हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद से तात्पर्य इस अर्थ में नहीं होता, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में जो विचारधारा मार्क्सवाद कही जाती है अथवा साम्यवाद कही जाती है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर अथवा प्रगतिवादी विचारधारा के आधार पर जो कविता लिखी गई वह हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी कविता कही जाती है। साम्यवादी विचारधारा अथवा मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, पहला है शोषक वर्ग और दूसरा है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं, और शोषित वर्ग के अंतर्गत आते हैं गरीब मजदूर, किसान और श्रमिक जिनका शोषण किया जाता है। जो साम्यवादी विचारधारा है या मार्क्सवादी विचारधारा है वह समाज में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं मार्क्सवादी, और यह चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो, समाज में कोई भी शोषक ना हो और समाज में कोई भी शोषित ना हो। इसलिए जो प्रगतिवादी कविता है वह हर प्रकार के शोषण का विरोध करती है, तो यह इसकी प्रमुख प्रवृत्ति है। अब हम देखते हैं कि हिंदी कविता में प्रगतिवाद क्या है। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 ईस्वी में हुआ और सन 1936 ईस्वी से सन 1943 ईस्वी के दौरान जो कविता लिखी गई वह हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से अभिहित की जाती है। हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद के अंतर्गत वे कवि आते हैं जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा अथवा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर कविताएं लिखी और ये कवि प्रगतिवादी कवि कहलाए। इनमें प्रमुख हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रंगे राघव और त्रिलोचन शास्त्री। इसके अतिरिक्त कुछ छायावादी कवियों ने भी प्रगतिवादी कविताएं लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं सुमित्रानंदन पंत और निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में भी प्रगतिवादी तत्व अर्थात मार्क्सवादी तत्व उपलब्ध होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या होती हैं। जैसे कि मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि जो प्रगतिवादी जो काव्य है वह साम्यवादी विचारधारा अथवा मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है, इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? शोषितों की दीन दशा का चित्रण करना और शोषकों के प्रति आक्रोश व्यक्त करना। तो प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां इनका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला है शोषितों की दीनता का चित्रण। शोषितों की जो दीन दशा है, जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं जिनका शोषण हो रहा है, उनकी दीन दशा का चित्रण करना। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषण की चक्की में पिसने वाले किसान, मजदूर, पीड़ित, शोषित इत्यादि हैं। प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविताओं में इनकी शोषित दशा का बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक कारुणिक ढंग से इनका चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवियों ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया है और शोषितों के प्रति अपनी सहानुभूति भी व्यक्त किया है। रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि जो अमीर व्यक्ति हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके कुत्ते भी आराम से सुख चैन से रहते हैं, उनको दूध मिलता है, उनको वस्त्र मिलते हैं, ठंड के दिनों में उनके लिए रजाई की भी व्यवस्था होती है, लेकिन जो गरीब माँ बाप हैं, जो शोषित हैं, जो श्रमिक वर्ग के हैं, जो मजदूर वर्ग के, वे क्या है, गरीबी के कारण ठंड के दिनों में माँ की छाती से चिपके रहते हैं ताकि ठंड से बच सकें, न उन्हें पेट भर खाना मिलता है, न तन ढकने के लिए वस्त्र मिलता है, ठंड के दिनों में उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। इस प्रकार उनकी जाड़ों की रात माँ की छाती से चिपक कर बहुत ही कष्ट में बीतती है, तो दिनकर जी ने इनका वर्णन किया हुआ है। अब शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का इन्होंने बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति किया है, शोषक वर्ग के प्रति ना घृणा व्यक्त किया है। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, निर्दय एवं कपटी कहा गया है, मतलब इनके प्रति घृणा व्यक्त की गई है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारी, जमींदार, उद्योगपति आदि को लिया गया है।
ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव। पूंजीवादी व्यवस्था से तात्पर्य जो उत्पादन के जो साधन है उन पर उनका अधिकार बना रहना, और पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मजदूरों और श्रमिकों को उनके श्रम का पर्याप्त फल नहीं दिया जाता, पर्याप्त पैसा नहीं दिया जाता, उनका शोषण किया जाता है, और उत्पादन के साधनों पर और उत्पादित वस्तुओं पर पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य रहता है, उनका मालिकाना हक रहता है। प्रगतिवादी कवि इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहते हैं और कहते हैं, हो या समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। किस कवि की पंक्तियां हैं आपको ढूंढना है और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताएं कि किन कवि की पंक्तियां हैं, कुछ मैं जानबूझकर आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। तीसरा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है वे ईश्वर और धर्म पर उनकी कोई आस्था नहीं है, वे नास्तिक हैं, इसीलिए प्रगतिवादी कवि भी धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करते और वे इन्हें शोषण का हथियार मानते हैं। दिनकर जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता कुरुक्षेत्र में लिखा है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। दिनकर, कुछ भाग्यवादी लोग यह कहते हैं कि यह अपना अपना भाग्य है कि कोई अमीर के घर में पैदा होता है, कोई गरीब के घर में पैदा होता है, लेकिन वास्तव में क्या है, यह शोषण करने का एक अधिकार है। दुनिया में लोग जन्म लेते हैं और दूसरे का शोषण करके पूंजीपति बन जाते हैं, अन्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करते हैं, तो यह क्या है, यह पाप का आवरण ओढ़कर रखते हैं, दिनकर जी का कहना है। इसीलिए प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों एवं रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाए। विप्लव मतलब क्रांति के गीत गाए। जो प्रगतिवादी कवि हैं धार्मिक आस्थाओं का विश्वासों का विरोध करते हैं, धर्म में ईश्वर में इनकी कोई आस्था नहीं है, और यह इन रूढ़ियों को तोड़कर सामाजिक जो पुराने मापदंड है उनको तोड़कर वे क्रांति के गीत गाना चाहते हैं। वह चाहता है कि क्रांति की चिंगारियां उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दी, जिन रूढ़ियों और जिन परंपराओं के कारण लोग शोषित हो रहे हैं, दमित हो रहे हैं, इसलिए उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर देना चाहिए क्रांति के माध्यम से। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी लिखते हैं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो हे कवि, कुछ ऐसा गीत गाओ, ऐसा क्रांति का गीत गाओ जिसकी ज्वाला में जलकर जो भी सामाजिक रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं हैं जिनके कारण लोग शोषित हो रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा है, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। पंत जी ने भी युग की कोयल का आह्वान किया है कि वह अपने पावक कणों से जीर्ण और पुरातन को नष्ट कर दे। मतलब वे परंपराएं जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, जो पुरातन परंपराएं हैं, जो सामाजिक अव्यवस्था का कारण है, सामाजिक असमानता का कारण है, पावक कर्ण मतलब अग्नि के कर्ण, तो वह युग की कोयल से आह्वान करते हैं कि वह ऐसा गीत गाए और जिससे अग्नि की वर्षा हो, और जो जीर्ण है, जो पुरातन है, जिसकी आज हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी परंपराओं को, ऐसी रूढ़ियों को तोड़ दिया जाना चाहिए जो सामाजिक अव्यवस्था का, जो सामाजिक असमानता का कारण बनती है, जिसके कारण लोगों का शोषण होता है। पंत जी यह कहते हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी तो ईश्वर की धारणा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल कहते हैं, जिसका ले ले नाम युगों से मांस लुटाते तुम रोए, किंतु न चेता जो निशिवासर और सुधातुर तुम सोए। मतलब जिस भगवान का आप रात दिन नाम का जाप कर रहे हैं, जिसके कारण लोग सांप्रदायिक दंगों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा कर रहे हैं, दिन भर भगवान का नाम ले रहे हैं, तब भगवान जब इतना दयालु है, कृपा करने वाला है, तब भी आप लोगों की पेट का भूख शांत क्यों नहीं करता, क्यों तुम्हारे सिर पर कोई छत नहीं है, तुम्हारे बदन पर कोई कपड़े नहीं है, तुम्हारे पेट में अन्न का एक दाना नहीं है, भूखे प्यासे सो रहे हो, तो वह ईश्वर कहाँ है, यह इनका कहना है। इसके बाद क्रांति की भावना, क्रांति या विप्लव की भावना। सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। वह चाहता है कि पूंजीपतियों के गगनचुंबी महल भूमि साथ हो जाएं और सबको न्याय मिल सके। प्रगतिवादी कवियों ने हिंसा को उचित ठहराया है। जैसे मार्क्सवाद में हिंसा को उचित ठहराया गया, उसी प्रकार प्रगतिवादी कवियों ने भी सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हिंसा को उचित ठहराया है। वे कहते हैं कि ऐसी क्रांति होनी चाहिए कि जो अमीर लोग हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, उनके जो गगनचुंबी महल जैसे बड़े बड़े मकान हैं, वो भूमि साथ हो जाने चाहिए, ध्वस्त हो जाने चाहिए, नष्ट हो जाने चाहिए, और सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए।
तो वे कहते हैं काटो 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 कर लो, साहित और कुसाहित क्या है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा के। वे कहते हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हिंसा भी जाया जाए। यहां पर हमको यह नहीं देखना है कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि हमको शोषण मुक्त समाज की स्थापना है, चाहे उसके लिए हमें रक्तपात क्यों नहीं करना पड़े, लोगों की हत्या क्यों ना करना पड़े। इस प्रकार वे हिंसा पूर्ण क्रांति का भी समर्थन करते हैं। इसके बाद नारी का चित्रण उन्होंने कैसे किया है, प्रगतिवादी कवियों ने नारी का भी यथार्थ चित्रण किया है, पर इनकी जो नारी है वह कल्पनालोक की कोई परी नहीं है और न ही सौंदर्य एवं उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा है। वो त्याग की प्रतिमूर्ति नहीं है, वे कोई देवी नहीं है, बल्कि वह हमारे समाज की एक साधारण मानव है जो दुरादीन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। मतलब वह कोई दिव्य शक्ति नहीं है। जैसे संस्कृत में यह कहावत है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमते देवता। मतलब जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर ही देवता रमण करते हैं या निवास करते हैं, ऐसी कोई भावना यहाँ पर नहीं, बल्कि वह इस लोक की साधारण नारी है जो पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। निराला ने वह तोड़ती पत्थर नामक कविता में यह लिखा है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमलिका अट्टालिका प्रकार। तो इलाहाबाद के रास्ते में जब निराला जी गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि एक श्रमिक महिला एक बहुत बड़े मकान के सामने पत्थर तोड़ रही है, गर्मी के दिन है, बहुत बड़ा हथौड़ा से बार बार पत्थर पर प्रहार कर रही है, लेकिन वहां पर कोई छायादार वृक्ष भी नहीं है। तो इस प्रकार उसकी अत्यंत दयनीय और कारुणिक दशा का उन्होंने चित्रण किया है। छठवां है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य की रचना करना है। उनकी रचनाओं में कल्पना रंच मात्र भी नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है, जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में ही उपलब्ध होता है। प्रगतिवादी साहित्य की एक प्रमुख विशेषता या प्रगतिवादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है जीवन का यथार्थ चित्रण, जो जैसा है उसका उसी रूप में चित्रण करना, लोगों की गरीबी, भुखमरी, दयनीय स्थिति का चित्रण यथार्थवादी ढंग से प्रगतिवादी काव्य में किया गया है। शैलीगत विशेषताएं, इनकी शैली की क्या विशेषता है, प्रगतिवादी कवियों की भाषा सरल है, यह शैली अलंकारविहीन है और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है, उसमें कहीं बनावट नहीं है, वह आम आदमी की भाषा है। क्योंकि जो प्रगतिवादी काव्य है वह यथार्थवादी ढंग से जो हमारी जो सामाजिक जीवन है उसका चित्रण करता है, सामाजिक दशाओं का चित्रण करता है, इसीलिए इसकी भाषा भी सहज सरल और आम बोलचाल की भाषा है और इसमें किसी प्रकार के अलंकार का प्रयोग नहीं है और यह मुक्त छंद का भी समर्थन करती है। आपको मालूम है कि निराला जी मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, उन्होंने चाहा कि जिस प्रकार लोगों की मुक्ति होती है उसी प्रकार कविता को भी छंद के बंधन से मुक्त होना चाहिए। मतलब छंदबद्ध कविता को उन्होंने विरोध किया और मुक्त छंद का प्रवर्तन किया। तो जो शैलीगत विशेषता के अंतर्गत मुक्त छंद का प्रयोग भी प्रगतिवादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि वह आम आदमी की भाषा में आम लोगों के जीवन के कष्टों का, उनके दुखों का वर्णन करती है यह कविता। पंत जी जैसे लिखते हैं, सुमंतानंद पंत जी लिखते हैं, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, है मेरी वाणी क्या तुम बिना अलंकार के आम जन जीवन की भाषा में मेरी कविता को अभिव्यक्ति प्रदान कर सकती हो। मतलब वह अपने कविता को एड्रेस करते हैं, उसको संबोधित करते हैं कि मेरी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो आम लोगों की भाषा में आम लोगों की समस्याओं को अभिव्यक्ति प्रदान कर सके। तो यद्यपि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है, सामाजिक जो असमानता है, जो शोषक और शोषितों के बीच की जो दूरी है, लेकिन फिर भी तथापि गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती, इसलिए प्रगतिवादी काव्य की आयु कम रही, फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।